हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं सुलेमान गफार और आज 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 12 थ्योरम नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। और सबसे ज़रूरी जो है वो स्टेटमेंट ही है, क्योंकि स्टेटमेंट से ही आगे जो है वो डायग्राम बनती है। तो देखिएगा, द राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो बाई सेक्टर का मतलब होता है आधा करना, और राइट बाई सेक्टर का मतलब होता है कि किसी साइड को आधा करना, लेकिन उस पर एंगल कौन सा बने, 90 का एंगल बने। तो कोई भी चीज़ जो है थ्योरम की, जो तीन चीज़ें जो है बेसिक होती है, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। तो गिवन जो हमें पता है, बस हमें जो गिवन पता ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल का नाम जो है ए बी और सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमें गिवन बस यही पता है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि उसकी जो साइड्स है वो क्या है, राइट बाई सेक्टर है। उसकी साइड कौन सी, ए बी एक साइड है और ए सी एक साइड है और बी सी एक साइड है। वो कहता है तीनों साइड्स है जो है वो क्या है, राइट बाई सेक्टर है। तीनों साइड को आधा करें, और वो आधा करने से क्या होएंगी, कॉन्ग्रेंट होएंगी। द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी, ए बी को हमने करना है, ए बी को बाइसेक्ट करना है, बी सी, बी सी को बाइसेक्ट करना है, और ए सी को बाइसेक्ट करना है, ए सी को बाइसेक्ट करना है, और वो तीनों क्या होंगे, बराबर होएंगे एक पॉइंट के ऊपर। ये तो हमने प्रूफ करना है। तो हमने खुद से क्या काम करना है, कंस्ट्रक्शन हमने जो खुद से करनी है, ड्रॉ द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। हम पहले करते हैं उसे क्या भी, ए बी को दरमियान से काटें, बाई सेट करें, उसके बाद उसे क्या बी सी को, और हमने जो है बी सी को करना है, बाई सेट करना है, और ये जो पॉइंट होएगा ए पॉइंट का नाम देंगे ओ का। इसके बाद वो कहता है कि ज्वाइन ओ, ओ को ज्वाइन करें ए बी और सी के साथ, ओ को ज्वाइन कर दें ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। तो ये जो है ये हमने कंस्ट्रक्शन खुद से की है, क्या की है, खुद से की है। और आपको मैंने बताया था कि ये राइट बाई सेक्टर है, जब राइट बाई सेक्टर होगा तो एंगल कौन सा बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, 90 का। तो ये थी गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। अब जो हमने प्रूफ करना है वो देखिएगा, हमने अब स्टेटमेंट बतानी है और स्टेटमेंट के साथ हमने रीज़न देना है, स्टेटमेंट के साथ हमें क्या देना है, रीज़न देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वो कह रहा है कि ओ ए इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है ओ बी के, ओ ए ओ बी के इक्वल है। तो इसकी रीज़न क्या है कि ईच पॉइंट ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। कि जो भी है बाई सेक्टर होगा राइट जो है सेगमेंट के ऊपर, वो उसके एंड वाले पॉइंट से क्या होएगा, इक्वल डिस्टेंस पे होएगा। इसलिए ओ का ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल है। तो ये हमारी इक्वेशन हुई 1। इसके बाद दूसरी जो है, ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, ओ बी जो है ओ सी से क्या है, ये भी इक्वल है, क्योंकि इसके भी एंड पॉइंट वैसे ही है। तो हम क्या कहेंगे, जैसे पहली थी वैसे ही क्या है, दूसरी है, एज इन 1। अब थर्ड जो है, इसकी इक्वेशन जो है ओ ए इक्वल है ओ सी से, तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी जो है, थर्ड। तो ये इसका भी जो आंसर, जो रीजन है वही बनेगा फ्रॉम 1 एंड 2। जिस तरह ओ ए ओ बी के इक्वल था और ओ बी ओ सी के था, इस तरह ओ ए ओ सी के इक्वल है। तो इसकी रीजन जो है फ्रॉम 1 एंड 2। अब वो ये बात बता रहा है, अब ये बात है कि जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ इज ऑन दी राइट बाई सेक्टर ऑफ अ सी ए। जो पॉइंट ओ है ये सी ए को, किसको, सी ए को बाई सेट कर रहा है दरमियान से, किस पॉइंट पर बाई सेट कर रहा है, ओ पे। तो ये हमें लिख रहा है कि पॉइंट ओ है इज ऑन दी राइट बाई सेक्टर ऑफ अ सी ए, क्योंकि सी क्या है, सी, इसकी रीजन ये है, ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, क्योंकि जो ओ है ओ का फासला ए से भी उतना है, ओ का फासला सी से भी उतना है, इसलिए हम इसकी क्या दी, रीजन क्या दी है, ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। ये इक्वेशन होगी 4th, ये 4th इक्वेशन होगी। इसके बाद क्या है, वो कहता है बट पॉइंट ओ इज ऑन दी राइट बाई सेक्टर ऑफ सी एंड बी सी। अब बी सी और जो नाम क्या है, ए बी के बाद वो कह रहा है कि बी सी,
ए बी और बी सी जो है ये दोनों क्या है राइट बाय साइड हो रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पे हो रहे हैं। ए बी और बी सी किस पॉइंट पे हो रहे हैं, ओ पे हो रहे हैं। तो ये बात हमने की थी कंस्ट्रक्शन में कि ए बी और बी सी जो है ये किस पॉइंट पे हो रहे हैं, ओ पे हो रहे हैं। और वही जो है आगे हम रीजन दी है उसको देखेगा, बट पॉइंट ओ इज ऑन दी राइट बाय सेक्टर ऑफ आ ए बी एंड बी सी, ये हमारी क्लियर हुई पांचवी। और ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की थी, यहाँ पर लिखेगा कंस्ट्रक्शन। अब जो हैंस ये साबित तो हो गया है कि द राइट बाय सेक्टर ऑफ दी थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्गर्ट एट पॉइंट ओ। और हमें पता चल गया कि अगर हम तीनों साइड्स को ए बी को बी सी को और ए सी को तीनों को राइट बाय साइड करेंगे, दरमियान से काटेंगे, और तीनों जो है ये किस पॉइंट पर इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होगी, पॉइंट ओ पे। तो हम इसकी जो रीजन देंगे फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन एंड फाइव इक्वेशन। तो इस तरह जो है आपका ये थ्योरम जो है जो खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।